नमस्कार दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में कोरोना वैक्सीनेशन को अनिवार्य बनाने के खिलाफ स्वास्थ्य कर्मियों ने किया है प्रदर्शन। अमेरिकी सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन को कर दिया है जरूरी। ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुए 38 लड़ाकू विमान। चीन के उकसावे वाली हरकत को ताइवान ने प्रीमियर ने गलत बताया है। चीन ने अपने नेशनल डे के मौके पर ताइवान की सीमा में भेजे थे विमान। चीन में चल रहे एयर शो में लड़ाकू विमानों का देखा जबरदस्त करतब। 8 ट्रेनर विमानों ने आसमान में बांधा समा। चीन में चल रहे एयर शो में हिस्सा ले रही है 40 देशों की 700 कंपनियां। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ने दिया है बड़ा बयान। कहा, मैं छोड़ रहा हूं हमेशा के लिए राजनीति। रोड्रिगो का यह कदम अपनी बेटी को राजनीति में आग लाने को लेकर देखा जा रहा है। चीन के खिलाफ हमेशा खुलकर बोलने वाले नेताओं में से एक रहे हैं राष्ट्रपति रोड्रिगो। ब्रिटेन की महारानी पहुंची एडिनबर्ग। स्कॉटिश संसद का उद्घाटन करने के लिए यहां पहुंची है महारानी एलिजाबेथ। प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला भी वहां मौजूद रही। बढ़ती महंगाई और तेजी से बढ़ती हुई गरीबी से परेशान अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबानी सरकार से मदद मांगी है। आटा दाल चावल के साथ साथ तेल महंगा हो चुका है। बैंकों के बाहर भी पैसा निकालने के लिए लोगों की लंबी लाइनें हैं। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने विश्व नेताओं पर किया है तीखा हमला। बोली, दुनिया भर के नेताओं में दिखी है जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई की कमी। ब्राजील की कंपनी बायोम ने चीनी कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कैंसिनो के साथ किया है समझौता। ब्राजील ने कैंसिनो नाम के एक नए कोरोना वैक्सीन को दी है इमरजेंसी मंजूरी। शनिवार को स्पेन में ला पाल्मा द्वीप पर महसूस किए गए कई झटके। कई और जगहों से खुला ज्वालामुखी का मुहाना। विस्फोट की तादाद में भी हो रही है वृद्धि। दूसरे वर्ल्ड एक्सपो के दुबई के दूसरे दिन भी लोगों की जबरदस्त भीड़ नजर आई। 6 महीने तक चलने वाले इस एक्सपो की शुरुआत 1 अक्टूबर से हो चुकी है। 192 देश पेश कर रहे हैं अपनी ताकत, तकनीक और संस्कृति की झलक। अमेरिका में कोरोना महामारी एक बार फिर से तेजी के साथ फैल रही है पूरी दुनिया में। अमेरिका एक ऐसा देश बना हुआ है जहां सबसे ज्यादा मौतें कोरोना महामारी की वजह से हुई हैं। तो वहीं इस मुश्किल घड़ी में भी लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयारी नहीं है और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, 4.5 करोड़ से ज्यादा संक्रमित, कोरोना के ये वो आंकड़े हैं जिसके बावजूद अमेरिका में लोग वैक्सीनेशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस देश में लगातार कोरोना मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहाँ वैक्सीन नहीं लगाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीर कैलिफोर्निया की है, जहाँ स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाना अनिवार्य किए जाने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने ही कुछ इस तरह से प्रदर्शन किया। अमेरिका में इस तरह के प्रदर्शन तब हो रहे हैं जब देश में कोरोना मामलों में होने वाली मौत 7 लाख को पार कर चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका में मौत का आंकड़ा 6 लाख से 7 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 3.5 महीने का समय लगा। अमेरिका में अनवैक्सीनेटेड आबादी में डेल्टा वेरिएंट फैलने की वजह से मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। यहाँ ये हाल तब है जब 6 महीनों से ज्यादा समय से लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। अमेरिका में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रदर्शन उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका के कई अस्पताल स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से जूझ रहे हैं। हालांकि कैलिफोर्निया के अलावा देश के कई ऐसे भी राज्य हैं जहां स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज तक ब्यूरो। दूसरे देशों की तरह न्यूजीलैंड में भी कोरोना महामारी एक बार फिर से फैलती जा रही है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के साथ सरकार ने कई राज्यों में लॉकडाउन लगा रखा है। तो वहीं इसी लॉकडाउन के विरोध में स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हाथों में बैनर और पोस्टर लिए प्रदर्शन करते ये वो लोग हैं जो सरकार के उस फैसले से नाराज हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए लिए गए हैं। तस्वीरें न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड की हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कोरोना पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन किया।
फ्रीडम फ्रॉम लॉकडाउन के नारे लगाते इन लोगों की माने तो लगातार लॉकडाउन रहने के चलते देश में बेरोजगारी बढ़ी है, कारोबार को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं लोगों को मानसिक परेशानियों से भी गुजरना पड़ा है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ऑकलैंड की तर्ज पर ही दूसरे शहरों में प्रदर्शन होंगे। इसी साल अगस्त महीने में पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, मगर जहां देश के ज्यादातर राज्यों के लोग अपनी आम जिंदगी में वापस लौट चुके हैं, वहीं ऑकलैंड शहर अब भी लॉकडाउन के जाल में फंसा हुआ है। सरकार की माने तो ऑकलैंड में लगातार मिल रहे कोरोना मामलों की वजह से ही यहां लॉकडाउन लगाने जैसे कड़े फैसले को लिया गया है। न्यूजीलैंड दुनिया का वो चुनिंदा देश है जिसने कोरोना महामारी को काबू में रखा हुआ है। यहां अगस्त महीने से पहले तक कोरोना के इक्के दुक्के मामले ही सामने आ रहे थे, मगर डेल्टा वेरिएंट के आने के बाद एक बार फिर मामले बढ़ने लगे। माना जा रहा है कि पहले की तरह ही एक बार फिर न्यूजीलैंड कोरोना पर पूरी तरह काबू पा लेगा। आज तक ब्यूरो। पुर्तगाल और बेल्जियम में कोरोना महामारी के में कमी आने के बाद यहां की सरकारों ने कोरोना से जुड़ी हुई कई पाबंदियों को हटा भी दिया है। अब यहां पहले की ही तरह बार, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब्स को खोलने की अनुमति मिल गई है। जश्न मनाते ये वो लोग हैं जिनके देश में कई महीनों के बाद कोरोना पाबंदियों में ढील दी गई है, तो कई जगह से पाबंदियों को हटा लिया गया है। तस्वीरें बेल्जियम और पुर्तगाल की हैं, जहां 19 महीनों बाद रेस्तरां और पब को दोबारा खोलने की आजादी दी गई है। दरअसल पुर्तगाल और बेल्जियम में कोरोना मामलों में तेजी आने के बाद यहां की सरकारों ने कई तरह की पाबंदियों का ऐलान किया था, मगर अब जब कोरोना मामले इन देशों में पहले की तुलना में काबू में हैं, तो यहां की सरकारों ने कुछ शर्तों के साथ कई चीजों पर से पाबंदी को हटाने का फैसला किया है। पुर्तगाल में 1 अक्टूबर से रेस्तरां, कैफे, सिनेमा हॉल, पब, नाइट क्लब जैसी जगहों को खोल दिया गया है। हालांकि अब इन जगहों पर जाने के लिए कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही अस्पताल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शॉपिंग मॉल जैसी जगहों पर जाने के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। पुर्तगाल की ही तरह बेल्जियम में भी 19 महीनों के बाद नाइट क्लबों को खोल दिया गया है। यहाँ भी नाइट क्लब जैसी जगहों पर जाने के लिए कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही बेल्जियम की कई जगहों पर अब मास्क की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। पुर्तगाल और बेल्जियम जैसी जगहों पर नाइट क्लबों को खोलने से न सिर्फ युवाओं में उत्साह है, बल्कि उन कारोबारियों को भी इससे फायदा पहुंचेगा जिनके कारोबार कोरोना महामारी के चलते बर्बाद हो चुके हैं। आज तक ब्यूरो। और अब बात चीन की, जहां नेशनल डे की छुट्टियों में बड़ी संख्या में लोग थीम पार्कों का रुख कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोग जहां डिज्नी के किरदारों के साथ फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं, तो वहीं कुछ लोग बोटिंग का मजा ले रहे हैं। लोगों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए 40 तरह के मनोरंजन से जुड़ी हुई सुविधाओं को यहां पर शुरू कर दिया गया है, जिसे थीम पार्क घूमने आ रहे लोगों को अपने साथ कुछ यादगार पलों को वापस ले जाने में सुविधा हो सके। शंघाई डिज्नीलैंड थीम पार्क में लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई तरह के स्टेज शो का भी आयोजन किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि नेशनल डे की छुट्टियों के मौके पर यहां 2 लाख से भी ज्यादा सैलानी घूमने के लिए आ सकते हैं। 5 साल में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एक्सपो का इंतजार हर देश को रहता है। दुबई एक्सपो 2022 पिछले साल कोरोना की वजह से टाल दिया गया था। वर्ल्ड एक्सपो के लिए दुबई में एक भव्य शहर का निर्माण किया गया है। रंग बिरंगी रोशनी में नहाई ये वो जगह है जिसके खुलने का इंतजार दुनिया भर के देश पिछले 5 सालों से भी ज्यादा समय से कर रहे थे। शंघाई और इटली के बाद अब दुबई दुनिया का वो देश बन गया है जहां अगले 6 महीने तक 192 देश पूरी दुनिया को अपने ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। ये वो जगह है जहां दुनिया के कई देश आने वाले 6 महीनों में व्यापारिक संबंधों की एक नई इबादत लिखेंगे। व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए इस तरह के एक्सपो का आयोजन किया जाता है। दुबई एक्सपो 2020 की बात करें तो यहां दुनिया के 192 देश शिरकत कर रहे हैं। इसका आयोजन 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2022 तक किया जाएगा, यानी ये भव्य समारोह 122 दिनों तक चलेगा। इस आयोजन के दिन दुबई पिछले 8 सालों से कड़ी मेहनत कर रहा है। जिस जमीन पर एक्सपो का आयोजन किया गया है वो करीब 1,080 एकड़ में फैली है। एक्सपो के लिए भव्य शहर का निर्माण किया गया है जिसमें करीब $7 बिलियन यानी 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च आया है। उम्मीद की जा रही है कि एक्सपो के जरिए
दुबई में बिजनेस और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दुनिया के लोग बड़ी तादाद में दुबई में संपत्ति खरीदने के लिए उत्साहित होंगे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक्सपो के दौरान दुनिया भर के करीब 25 मिलियन लोग यहां आएंगे या ऑनलाइन जुड़ेंगे। अगर बात करें वर्ल्ड एक्सपो के इतिहास की तो ये काफी पुराना है। आधिकारिक तौर पर पहला वर्ल्ड एक्सपो 1851 में लंदन के क्रिस्टल पैलेस से आयोजित किया गया था। इसके बाद दुनिया के अलग अलग शहरों में इसकी शुरुआत हुई। पहले इस एक्सपो में औद्योगीकरण से जुड़ी थीम देखने को मिलती थी, जबकि 1988 के बाद से वर्ल्ड एक्सपो में हर देश अपनी ब्रांडिंग करने लगे, जो अब तक जारी है। आज तक ब्यूरो दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक HD।